शेख हसीना को लेकर अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि शेख हसीना का वीजा अमेरिका रद्द कर चुका है और फिलहाल शेख हसीना भारत के अंदर मौजूद है। कल शाम 5:40 पर शेख हसीना ने भारत के अंदर लैंड किया था और उसके बाद शेख हसीना यहीं पर मौजूद है। और अपडेट बांग्लादेशी मीडिया में ये कि अमेरिका वीजा रद्द कर चुका है शेख हसीना का। हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर जुड़ चुके हमारे साथ। शिवांगी के पास जाए उसके पहले सिद्धांत सिब्बल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, क्या अपडेट है इस वक्त अमेरिका से शेख हसीना को लेकर? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हम रीच आउट करेंगे स्टेट डिपार्टमेंट को इस पूरे मसले को लेकर, पर एक तरफ से वीजा कैंसिलेशन, ये जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं बांग्लादेश मीडिया में, ये तब आ रही हैं जब एक तरफ से कहीं ना कहीं शेख हसीना एक थर्ड कंट्री ढूंढ रही है जहां पे असाइलम सीक कर सके। यूके का नाम आ रहा था, पर यूके के अंदर असाइलम को लेकर प्रोसीजरल इश्यूज हैं। असाइलम ऐसे यूके नहीं देता है किसी देश को। इसके अलावा और भी कंट्रीज देखी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, शेख हसीना के जो बेटे हैं, जिन्हें आज सुबह बियॉन्ड जी न्यूज से बात कर बताया था कि कैसे हालात है, वो यूएस में ही रहते हैं और कहीं ना कहीं यूएस का एक तरफ से रोल जरूर देखा जाता है कि एक सुपर पावर है और कैसे उसका रुख रहेगा। यूएस ने वायलेंस को लेकर अपने स्टेट में जाहिर करी है। इसके अलावा इंटरिम गवर्नमेंट का भी स्वागत करा है। आज स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेसर कुछ ही घंटों में होगी, उसमें देखा जाएगा कि क्या रुख रहेगा अमेरिका का, क्या रुख रहेगा अमेरिका का इस पूरे वीजा के मसले को लेकर। जी शुक्रिया सिद्धांत आपका हमसे जुड़ने के। शेख हसीना भारत में है और हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल जो जानकारी आपको दे रहे थे वो यही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट्स हुए हैं अमेरिका की तरफ से कि उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है शेख हसीना का। यूके के अंदर हालात अभी अनिश्चितता से भरे हुए हैं, वहां पर खुद एंटी इमिग्रेशन राइट्स चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में शेख हसीना वहां जा पाएंगी? Z News।